नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण कुमार घोष आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे दोस्तों, मतलब जीवन में खुश कैसे रहा जाए, क्या वो रीजन से क्या वो तरीके हैं जिससे हम खुश रह सकते हैं। तो इसको हम छोटे से एक कहानी के माध्यम से समझेंगे जो कि कहानी छोटी सी कहानी है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है आपके लाइफ में। अगर आपको खुश रहना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। तो कहानी इस प्रकार है दोस्तों, तो एक समय की बात है दोस्तों, मतलब एक लड़की होती है जिसके पास घर, गाड़ी, बंगला, मतलब सब कुछ जो इसेंशियल नीड्स है ना दोस्तों, मतलब खुश रहने के लिए, या खुश रहने के लिए बोल सकते हैं या जीने के लिए, वो सब कुछ उसके पास था। बट वो बहुत मायूस लड़की थी, मतलब वो खुशी नहीं रह पाती थी। मतलब उसके पास बच्चे थे, उसके पास पति था, सब कुछ था, बट वो खुश नहीं रह पाती थी। घर वगैरह, बंगला वगैरह सब कुछ था, तो वो खुश नहीं रहती थी, जिसकी वजह से वो ना दोस्तों डिप्रेशन में चले गई कुछ महीनों बाद। तो जैसे ही डिप्रेशन में गई तो उसको सुसाइडियल थॉट्स वगैरह आने लगे, मतलब उसको खुदकुशी करने की, मतलब वो अंदर से, मतलब एक अजीब सी वो उठने लगी कि मैं क्यों जी रही हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, मतलब मैं कर क्या रही हूँ इस जिंदगी पृथ्वी पर, इस अर्थ पर। तो वो सोचती कि अब मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूँगी। तो इसी के चक्कर में वो है ना दोस्तों, वो गाड़ी में बैठती है और वो सोचती कि आज मैं अपनी गाड़ी को पहाड़ी से कुदा के गाड़ी के साथ मैं मर जाऊँगी। तो वो करने के लिए वो निकलती है घर से, तो जैसे ही रास्ते में देखती है दोस्तों कि एक बूढ़ा आदमी वो कुत्तों को बिस्किट्स वगैरह खिला रहा है। उसके पास एक साइकिल है मात्र, और वो बहुत खुशी से जी रहा है और कोई उसको परेशानी नहीं है। तो वो सोचती है कि ये आदमी जिसके पास एक साइकिल है और वो बच्चों को, मतलब बूढ़ा आदमी कुत्ते के पिल्लों को, बच्चों को बिस्किट्स वगैरह खिला रहा है और बहुत खुश है। तो वो नीचे उतरती है, उसके अंदर जिज्ञासा रखती है कि क्या रीज़न से जिसकी वजह से ये बूढ़ा आदमी खुश है, इससे पूछती हूँ, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। उतरती है दोस्तों और अंकल जी के पास जाती है, चाचा जी कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इतने खुश क्यों रहते हो। बोलते बेटा, अगर आप मुझसे 6 महीने पहले मिलते ना आज से, तो आपको मुझसे ज़्यादा दुखी और मुझसे ज़्यादा, मतलब बदकिस्मत आदमी शायद ही इस पृथ्वी पर मिलता। बोलते चाचा जी ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो बताता है कि 6 महीने पहले मेरी, मतलब वाइफ का डेथ हुआ था और मेरा जो इकलौता बेटा था वो विदेश से पढ़ के बाहर, मतलब अपने देश आया था, और उसको पता नहीं क्या ऐसी बीमारी लगी, बहुत दवाई वगैरह कराई बट उसको मैं बचा नहीं पाया। तो मेरे से ज़्यादा दुखी तो और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा भी मर गया और मेरी जो बीवी थी वो भी मर गई। तो अब मुझे जीने का मतलब ही, मतलब मकसद ही नहीं है, मेरा रीज़न क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो एक दिन ऐसे ही मैं भी सोचता था कि सुसाइड कर लूँगा, मर जाऊँगा, क्योंकि कोई है नहीं मेरे साथ रहने वाला, मेरे साथ वो करने वाला, मुझे खाना भी खुद बनाना है, खाना भी खुद है, सब कुछ खुद ही करना है, काम वगैरह जो भी हल्का सल्का करता था तो वो भी खुद ही करना है, मेरे पास जीने का कोई मतलब और तरीका नहीं है कि किस लिए, किसके लिए जीऊँ मैं। तो ऐसे ही एक दिन शाम को मैं बेटा टहलते हुए घर की तरफ आ रहा था काम से लौटते हुए, तो एक कुत्ते का पिल्ला मेरे पीछे पीछे करता हुआ आ गया। कुत्ते का पिल्ला मतलब कुत्ते का बच्चा, तो मतलब वो पीछा करते करते मेरे घर तक आ गया। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी तो कुत्ते का बच्चा रो रहा था, तो मैंने उसको घर के अंदर ले लिया। तो फिर मैंने उसको गर्म दूध वगैरह पिलाया तो उसको अच्छा महसूस हुआ। तो तभी से मैंने सोचा कि यार मैं, मतलब अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ, ये बच्चा है जिसके पास उसकी माँ भी नहीं है, ये मतलब जीने के लिए संघर्ष कर रहा था, मैं क्यों ना संघर्ष करूँ, मैं क्यों ख़त्म करूँ। तो उसी दिन से दोस्तों उसने अपने जीवन को, मतलब समाप्त करने के, मतलब मरने के अलावा, उसने सोचा कि नहीं मैं अपने जीवन को जीऊँगा अच्छे तरीके से। तो उसने आसपास के जितने भी कुत्ते के बच्चे वगैरह थे जो आवारा, मतलब स्ट्रे डॉग्स वगैरह थे, उनको अपने पास बुलाता था, उनको खिलाता था, पिलाता था और अपना काम करता था और मस्त रहता था। तो उसने बताया कि मैं इसी तरीके से मस्त रहता हूँ और मेरे पास, मतलब मरने का क्या रीज़न है और मेरे पास खुश रहने का रीज़न है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों को हमें अच्छे से, मतलब जीना चाहिए। तो मैं क्यों मरूँ, तो वही रीजन्स उस लड़की को समझ में आता है कि नहीं यार, ये अंकल जी जो थे, अगर ये नहीं मरे, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, इन्होंने अपनी बीवी खो दी, बच्चा खो दिया इकलौता, तो अब इनके पास तो मरने के अलावा कुछ नहीं था, बट वो अगर जी सकते तो मैं क्यों नहीं जी सकती। तो ऐसे ही दोस्तों,
लड़की घर जाती है अपने बीवी मतलब अपने बच्चों वगैरह के साथ और जो उसके पति वगैरह अच्छे से खुशहाली से जीती है और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद यही था दोस्तों कि मतलब हमें हमेशा खुश रहना चाहिए चाहे कंडीशन कैसे भी हो। आज कंडीशन हो सकता है ख़राब है, कल ज़रूर अच्छी होगी। अगर हम जीवन ही समाप्त कर लेंगे दोस्तों तो उसका कोई मकसद नहीं है, मतलब हम देख ही नहीं पाएंगे कि मतलब स्ट्रगल भी करना ज़रूरी है दोस्तों। स्ट्रगल करेंगे जभी तो आगे बढ़े। और हमें मतलब खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें एक मोटा इनकम, चाहे हम 1,00,000 रुपये कमाएँ, चाहे 50,000 कमाएँ, चाहे 20,000 कमाएँ, 10,000 कमाएँ, जो जिसके जैसे नीड, जो जैसे कमाता है दोस्तों उसी के हिसाब से उसकी नीड्स वगैरह होती है। तो हम जो कमाते हैं हमारा दिनचर्या वगैरह अच्छे से चल जाएगा। तो हमें खुश रहना चाहिए दोस्तों और कभी भी मतलब मायूस नहीं रहना चाहिए जीवन से, और खुश रह के जीवन को व्यतीत कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि आजकल जो है लोगों में एंजाइटी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, और उसकी वजह से इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। इस कहानी के माध्यम से लोगों को मैं मतलब समझ में आएगा खुश रहने का माध्यम। छोटे छोटे चीज़ों में हम खुशी ढूंढ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने समझा कि कोई हमें आज मैंने कोई अच्छा काम किया तो आप उसी के लिए सेलिब्रेट कर लीजिए कि आज मैंने अच्छा काम किया तो इसी वजह से मैं अपना मतलब सेलिब्रेट करता हूँ। आज आपके बच्चे का जन्मदिन है, आज ज़रूरी नहीं है बड़ी बड़ी बिग बिग अचीवमेंट, छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए और ज़िंदगी को खुशहाली से जी।